अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ग्लैमर प्रेजेंट्स रोटी ते बोटी। तो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट ट्रफल की रेसिपी, जो कि हमने किसी और की मतलब टेस्ट आउट करें और टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपको भी बताएंगे कि कैसी बनती है कैसी नहीं। तो इसमें दो इंग्रेडिएंट्स जो कि मेन जा रहे हैं, अगर ये आपके पास है तो आप ये बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो दो इंग्रेडिएंट्स मेन है, तीसरे जो इंग्रेडिएंट है वो मैं अपनी ऑप्शनल डाल रही हूँ, जिसकी वजह से टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, मतलब जो रेसिपी में डाला है, ठीक है। तो ये हुमा इन द किचन की रेसिपी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, तो मैंने बोला चलो आपके साथ टेस्ट की जाए, पता भी लग जाएगा कि ठीक भी है या नहीं, और बना तो वैसे भी हम रहे हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा कंडेंस मिल्क और कोको पाउडर और बटर। तो कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने आपको बनाना बताई है दो इंग्रेडिएंट्स से, सिर्फ दूध और चीनी से। तो वो रेसिपी अगर आपने देखनी है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप आराम से देख सकते हैं। और मैं सारे के सारे क्वांटिटीज़ इनकी ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, उर्दू में भी लिख दूँगी और इंग्लिश में भी लिख दूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये मेरे पास मेजरिंग कप है जिनसे मैंने इन चीज़ों को मेजर किया है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, जो कि रेसिपी बड़ी आसान है क्योंकि इनको अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो मैं टेबल स्पून में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आराम से बन जाएगी रेसिपी, बहुत ही ईजी है और बहुत ही मज़ेदार बने थे। मैं आपको यहाँ पर पता नहीं क्यों स्पॉयलर दे रही हूँ, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बने थे। कोको पाउडर आपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही आपका पिसा हुआ हो और बिल्कुल भी चंक वाला ना हो, अच्छे से आपने इसको ध्यान रख लेना है। फिर आपने ये बटर इसमें डाल देना है, बटर की क्वांटिटी भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये बटर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बिल्कुल लो से ही, लोएस्ट फ्लेम, बिल्कुल ना होने के बराबर फ्लेम पे आपने बटर को मेल्ट कराना है, और उसके बाद आपने सारा का सारा अपना ये कंडेंस मिल्क इसमें डाल देना है। और पैन आपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर अच्छा बॉटम वाला पैन, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी बॉटम वाला पैन आप यूज़ करें, क्योंकि कंडेंस मिल्क जल जाता है और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर नॉनस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नॉनस्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर ये सिल्वर वाला भी यूज़ कर सकते हैं जिसका बॉटम थोड़ा सा मोटा हो, ठीक है। और आपने कम फ्लेम रखनी है, ये लाइट की वजह से आपको फ्लेम ही नहीं दिख रही, तो यहाँ पर आपने कम फ्लेम रखनी है, मतलब मीडियम फ्लेम रख के इसको बॉयल दिलाना है और गर्म करना है जब तक ये गर्म हो जाए, मतलब बॉयल नहीं आए लेकिन गर्म हो जाइए, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको गर्म कर लेना है, जब तक ये गर्म होता है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना बहुत आसान है और इसको काफ़ी दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने ये रेसिपी रिकॉर्ड की थी उसके एक हफ्ते बाद तक हम लोग इसको यूज़ करते रहे थे, उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था, और ये बहुत यम्मी होते हैं, मतलब मेल्ट इन माउथ, ठीक है। अब ये यहाँ पर गर्म हो चुकी है ये कंडेंस मिल्क, तो इसके अंदर देखिए बटर भी थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जब ये मेल्ट हो, थोड़ी गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपने इसके अंदर कोको पाउडर डालना है, और यहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है कि कोको पाउडर को आपने छन्नी से छान के डालेंगे, आप यहाँ पे ऐसे ही स्पून भर भर के नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आपने स्पून भर भर के डाले, और यहाँ पर आपने आग को बंद कर लेना है, ठीक है। ये भी लो आग पे ये गर्म हुआ है, ठीक है, इस दौरान पे आपने आग को बंद कर लेना है। फिर आपने छन्नी लेनी है और उससे छान छान कर आपने कोको पाउडर डालना है। अगर आपने स्पून्स भर भर के डाला तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से छन्नी से, काफ़ी टाइम भी लगेगा इसमें, आपने आराम से एहतियात से इसको छन्नी से छानना है, और इस दौरान पर अपना हाथ पैन में मत मार लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी ये किया था और मेरा हाथ जल गया था, ठीक है। उसके बाद आप एक विस्क ले लें, सॉरी विक्स बोल दी मैंने, विस्क ले लें, और उससे आप इसको मतलब ऐसे घुमाते जाएं ताकि इसमें लम्स ना बने और अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए। पहले तो आपको लगेगा कि चॉकलेट ब्लेंड इसके अंदर मिक्स नहीं हो रही है, लेकिन फिर ये कुछ इस तरीके का ब्लैकिश ब्लैकिश ब्राउन सा कलर आ जाएगा, अच्छा सा चॉकलेट वाला, और अभी ये यहाँ पर बॉयल भी हो रहा है। तो जब ये बॉयल होने लगेगा और ये कुछ ऐसा देखें, जब ये पैन से आप इसको ऐसे स्पैचुला या कोई भी स्पून ऐसे करेंगे ना, तो उस वो बाद में मतलब आहिस्ता आहिस्ता मिलता जाएगा और एकदम से गैप छोड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, तो मतलब ये आपका डन हो गया। फिर आपने इसको निकाल लेना एक बोल के अंदर, थोड़ा सा ठंडा करना है, मतलब इस पर नॉर्मल अपनी रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा करना है। उसके बाद आपने इसको किसी भी चीज़ से कवर करके फ्रिज में रख देना है।
आप इसको फ्रिज में इतनी ज़्यादा देर तक मत रखिएगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो आपने इसको फ्रिज में सिर्फ 15 से 20 मिनट रखना है, और अगर आप इसको और जल्दी करना चाहते हैं तो 5 से 10 मिनट फ्रीज़र वाले खाने में रख दें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है बाहर। देखें मैंने इसके अंदर अच्छे से उंगली प्रेस की है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। अब आपने एक डिश या कोई ट्रे ले लेनी है, उसके अंदर आपने पाउडर्ड शुगर बिछा लेनी है, ठीक है, ताकि इससे आप आराम से, आप चाहें तो कोको पाउडर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी बॉल्स बना रही हूँ जो कि इसका मतलब इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है बॉल बनाने का। और इसको मैं, मेरे पास स्प्रिंकल्स अभी नहीं हैं तो मैं इसको यहाँ पर कोकोनट से कोट करूँगी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से बन गई हैं। अब मैंने सारी बना ली हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी लग रही हैं। और वो अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको कोको पाउडर से, जैसे कि मैंने पाउडर्ड शुगर की मदद से इसको बॉल्स बनाई हैं, अगर आप चाहें, आपको मीठा पसंद ज़्यादा नहीं है, आप और मीठा नहीं करना चाहते इसको, तो आप वहाँ पर कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर यहाँ पे एक और बात कहूँगी कि आपकी कोको पाउडर की क्वालिटी बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए, वरना वो बिल्कुल मिट्टी जैसा टेस्ट करेगा, ठीक है। एक दफ़ा मैंने भी बहुत घटिया क्वालिटी का कोको पाउडर यूज़ किया था, तभी मुझे इस बात का पता है। तो आप लोग वो गलती मत कीजिएगा क्योंकि फिर बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी कोट कर ली है बॉल्स, और ये देखिए कितनी ज़्यादा हो गई हैं। मैंने हाफ को इनमें कोट कर दिया था कोकोनट पाउडर में, और हाफ के ऊपर मैंने वो जो होते हैं ना जो चार मगज़ होते हैं वो मैंने लगा दिए हैं ऐसी डेकोरेशन के लिए। तो आप इसको किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ों से कोट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और मैंने इसके ऊपर चॉकलेट भी लगाई थी थोड़ी मेल्टेड, और इसके ऊपर फिर मैंने वो लगा दिए। अब मैं आपके सामने इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये सच में बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, और ये बहुत देर तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। आपके घर पर कोई मेहमान आ रहे हैं और आपके घर में कुछ भी मीठा नहीं है बनाने के लिए, तो आप ये दो इंग्रेडिएंट वाला डेजर्ट भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, हम वहाँ पे बहुत एक्टिव रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।